पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक पे है लाइन ऑफ कंट्रोल के थ्रू। इसके चलते जो भी जरूरी और जरूरतमंद चीजें हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे वो हमने की हैं, जैसे कि हमने अपने सर्वेलेंस ग्रिड बढ़ाई है और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को और मजबूत किया है। आज सुबह यानी कि 23 सितंबर की मॉर्निंग को तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारे ट्रुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थे और वहां पे एम्बुश लगाए हुए थे। 3 बंदे हमें पाकिस्तान की तरफ से उतरते हुए दिखाई दिए जो हथियार बंद थे, और उन्हीं के पीछे थोड़ी दूरी पर 2 टेररिस्ट और थे। इन्होंने जब लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की उसके बाद जो मेरी पार्टी हमारी पार्टी जो वहां डिप्लॉयड थी उन्होंने इनको चैलेंज किया। चैलेंज मिलने पर इन्होंने हमारे पार्टीज के ऊपर अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों के तीनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया और जो 2 टेररिस्ट पीछे थोड़ी दूरी पर थे वो वापस पाकिस्तान पीओके की तरफ भाग गए। इन टेररिस्ट से हमें कुछ रिकवरीज हुई हैं जो कि इस प्रकार है। AK सीरीज की राइफल्स 5 जो कि छोटे बैरल वाली है, AK-74, 7 चाइनीज पिस्टल्स, 1 रिवॉल्वर, AK की मैगजीन्स, 24 UBGL ग्रेनेड्स, 38 चाइनीज ग्रेनेड्स और 7 पाकिस्तानी ओरिजिन के ग्रेनेड्स। साथ ही साथ 35,000 रुपए इंडियन करेंसी, 10,300 रुपए पाकिस्तानी करेंसी, कुछ खाने पीने की चीजें और कुछ टोबैको लाइक सब्सटेंस हमें इनसे मिला है। नो 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 सो इट्स क्रेडिट गोज टू आवर बॉलीवुड। बॉलीवुड भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है आतंकियों को मारने में। उनको ऐसी चसेड़ी गंजड़ी आदतें डालती हैं, वो भी जो है गुटखा तम्बाकू न जाने क्या क्या खाने लग गए हैं, अपनी जुबान जो है हमेशा से लाल पीली रखने लगे हैं। इनसे इंस्पायर होके देश का तो बेड़ा गर्क कर ही थे युवा पीढ़ी को ये सब चीज़ें खिला खिला के सिखा के। अब पाकिस्तान से आए हुए आतंकी और वहाँ की फौज भी आधा काम तो भारतीय सेना का वैसे ही हल्का कर देती है, ये सब चीज़ें खा के मर रही है। चलो अच्छी बात है, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन यार हम लोगों को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को इन सब चीज़ों से जो बहुत ज़्यादा दूर रहना पड़ेगा, तभी जो है फ्यूचर में जाके आप एक मजबूत देश का निर्माण कर पाओगे। पर इन सब चीज़ें खा के कमज़ोर हो जाओगे, खोखले हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसे मतलब समझ रहे हो ना, कुछ नहीं कर पाओगे। आज डॉटर्स डे है ना, हर एक बेटी घर की आन बान चान होती है, पिता के लिए बहुत बड़ा सम्मान होती है, उस परिवार की बहुत बड़ी शान होती है, सर का ताज होती है बेटी। तो बेटियों का सम्मान एक दिन क्यों यार 24/7 हर दिन करते हैं ना, और ऐसे ही करते रहना चाहिए। उन परिवार के बच्चों से पूछो जो अपने पिता से कभी नहीं मिल पाते, कभी पिताजी बाहर की फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहे होते हैं या मजबूरी में परदेश में अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में, या फिर पुलिस हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो, आर्मी हो, या फिर अन्य ऐसे विभाग हो जहाँ पे परिवार से बच्चे दूर रहते हैं, उन बच्चों के बारे में भी सोच के देखिएगा एक बार। चलिए ये तो बात होगी, थोड़ा सा दोबारा से अपने ट्रैक पे आते हैं। वो ये कि आपको अक्सर खबर मिलती है ना कि आज इतने आतंकी मारे, ये हो गया वो गया, अपनी जान पे खेल के भारतीय सेना या सैनिक बल किस तरीके से इन लोगों को इनके असल ठिकाने पे पहुंचाते हैं। बाहर से तो आप देखते हैं कि इतने लोग मारते और हमारे कई बार जवान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जब वो गोलियों से उनको दाग रहे होते हैं, क्या आप जानते हैं उस रूम की हालत क्या होती है जहाँ पे लोग छुपे होते हैं? वहाँ की दीवारों का नज़रिया कुछ ऐसा होता है। ये तमाम देख रहे हैं हम, पूरी दीवारें छिदी पड़ी हैं गोलियों से। तो ये हाल करती है भारतीय सेना और सैनिक बल जब कोई दुश्मन हमारी धरती पे पांव रखने की हिम्मत करता है, बुरी नज़र डालने की कोशिश करता है। वी ऑलवेज प्राउड आर सिक्योरिटी फोर्सेज, लेकिन बहुत दुख होता है जब हमारी सेना के सैनिक बलों के वीर गति को प्राप्त उन जवानों के बच्चे दर दर भटक रहे होते हैं, नौकरी पाने के लिए घूम रहे होते हैं, लेकिन एक जवान जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है उसके परिवार को क्यों नहीं जॉब मिलती? ऐसे तमाम वीडियोस की एक मैं सीरीज लेकर आने वाला हूँ। आज एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कम से कम इससे एक परिवार की आवाज़ दूर तक जाए और इस परिवार को कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, इस परिवार को जॉब मिले। और पहली बार यदि आप देख रहे हैं अपना चैनल रॉयल सोल्जर जो हमेशा से सत्य के लिए खड़ा होता है, किसी जात पात धर्म पॉलिटिकल्स सब चीज़ों से अलग हट के दूर, सिर्फ देश हित में समाज हित में एक आम जनता की आम नागरिक की आवाज़ बनने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस।
देखते जाएगा इस आगे पूरी क्लिप को। मेरा नाम मोहित है, मैं हसनपुर दरबारीपुर गुड़गांव से हूँ। मेरा पिताजी नायक महेंद्र सिंह सन 2000 में नागालैंड में शहीद हो गए थे ऑक्सीजन की वजह से। जब पिताजी शहीद हुए थे, जब फौज से खुद कुछ अधिकारी आके आश्वासन देके गए थे, भाई आपको हम जॉब देंगे आपके लड़के को, जब मैं 1 साल का था, ये रही वो डॉक्यूमेंट जिसमें जॉब के लिए बोल गए थे, ये सारे डॉक्यूमेंट जब बोल देगा आपके लड़के को जॉब दी जाएगी। मैं हाल ही में 3-4 भर्ती दे चुका हूँ जीडी की, उसमें भी मेरी उम्र निकल गई है, अब मेरी खाली ट्रेडमैन की भर्ती बची है। हाल ही में मैंने परसों एक ट्रेडमैन की भर्ती देखी थी अपनी, मुझे ओपन रैली में दौड़ा दिया था। ऐसे नहीं दौड़ा जैसे शहीद के बच्चे को अलग छूट मिलती है, अलग वो करते हैं फौजियों ने, ऐसे कुछ नहीं किया मेरे साथ, अलग ओपन रेल में दौड़ा दिया था, उसमें भी रिजेक्ट कर दिया। मेरे साथ का एक लड़का था, उसके पिताजी खाली गोली लगी थी, उसको पिताजी भी आया था, उसको खाली सीधा भर्ती कर दिया निकल मेडिकल होके, मैं उसको रिजेक्ट कर दिया। अब मेरी एक भर्ती बच रही है, मुझे फौज पे विश्वास था, फौज ने अपना विश्वासघात कर दिया, वो फौज मुझे विश्वास नहीं रहेगा। अफसरों से मेरे हाथ जोड़ के विनती है, साहब मेरी एक भर्ती बच रही, इसमें मुझे लगा लो सेना में। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, दुनिया भर का हम पे कर्जा हो रहा, मम्मी के 2 बार अटैक पड़ चुके हैं, हमारी हालत बहुत बेकार है, पापा होता तो सब चीज कर देता सब चीज। अब हमारे पिताजी नहीं है, फौज में शहीद हो गए, देश के लिए उसने कुर्बानी दी है, पर फौज ने आज तक हमको अब तक आश्वासन नहीं दिया, भाई आपके लड़के को हम लगा देंगे जॉब। साहब मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मुझे जॉब दी जाए। हमारे अफसरों से हाथ जोड़ के विनती है, साहब मुझको सेना में भर्ती किया जाए। अब मम्मी कुछ बोलो। मेरा बेटा फौज में लगाया जाए, आपने वादा किया था, अब ये जवान हो गए, अब इनकी कुछ मदद करें, मेरी बहुत बुरी हालत है, मैं बीमार रहती हूँ। मेरा बेटा की जितनी आपको आपने कही थी मदद करेंगे, तुमने कोई मदद नहीं की अभी तक। ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, मेरा बेटा फौज में लिया जाए जरूर। साहब मुझे किसी सरकारी आर्मी में मुझे जॉब दी जाए, जैसे मेरे पिताजी फौज के लिए आर्मी देश के लिए शहीद हो गए थे, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कृपया मेरे हाथ जोड़ के ये बात है, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आर्मी में सिलेक्शन के, मेरे पास 6 महीने हो रहे हैं, मैं और रेज हो जाऊंगा, 6 महीने मेरे पास, आप कुछ हेल्प कर सकते हो तो कृपया करके मेरी हेल्प कीजिए। जब मैंने अपना पति देश के लिए सेवा करने के लिए भेज दिया, तो मैं अपने बेटे को करना चाहती हूँ। गुड बाय फॉर नाउ, जय हिंद।